अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना कि सारे ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ने हिफ्ज़ो इमान जो सो। काफ़ी दिन हो गए ने कौन सी के ब्लॉग अपलोड किया। एक तो मसला ये हुआ सी कि अम्मी ने कोई सेहत खराब हो गई सी, वो डॉक्टर की चेकअप कराया था। उस तो बाद डॉक्टर ऑपरेशन दस्या सी, वो फिर ऑपरेशन कराया था, उधर बिजी रहे हैं। तो अलहमदुल्ला ऑपरेशन भी कामयाब होया, तो अलहमदुल्ला हूँ सेहत भी काफ़ी बेहतर है ने। तो प्लस कुछ दिन पहले जैसा कि पता कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई सी, तो उसने वाले ना जो नेटवर्क से पूरे पाकिस्तान नाल आज़ाद कश्मीर बंद करी उड़िया सी, तो उस तरह 4 दिन बंद रहा। तो कल ही राती जनाब नेटवर्क वापस आया। तो इस टाइम असा रावलाकोट मौजूद हाँ। आज़ाद कश्मीर ना एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, इतने एक कम आए साढ़े दोस्त उन्होंने मुलाकात करनी सी। जनाब अली साहब, अली साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह ना जी, तुसी सुनाओ? अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक, और सुनाए कैसा लगा तुसा रावलाकोट? रावलाकोट माशाल्लाह जी काफ़ी सोहना लगा। तो प्लस ये है कि 5.5 टेम्परेचर है जरा 39-40 भी जाना पे, इस टाइम इतनी गर्मी है। तो इतने जरा हाईएसट टेम्परेचर जाना 24-25 जाना, इतनी सर्दी है। तो राती इतने सुते हैं तो यकीन मानो कि दो बिस्तरे किते सन। तो प्लस जल्द सुबह नहाते हैं तो पानी गर्म कराया, इतनी सर्दी है इतने। ते नबील साहब भी नाल, नबील साहब नींदर कैसी पई है राती? बहुत सोहनी, जबरदस्त सोहना माहौल है जनाब। सर्दी सी, अच्छा सर्दी सहने ने मजा आया है, गर्मी नहीं नींदर पूरी होनी। ते बाकी हुण असा इस टाइम जा रहे हैं जी रावलाकोट तो तौली पीर साइड, उत्थे थोड़ा इधर कसा तो फिर इंशाल्लाह वापसी करा लो सी। ते नाल नाल सोंगी जड़ी खूबसूरत जगह, इतने तो सारी खूबसूरत न, लेकिन फिर भी जी मैन मैन है उस ना शेयर कर सकते। मीरपुर वाले की ये भी अस आखसा कि तुसी सारे आओ इस साइड, ये भी इस जगह की भी एक्सप्लोर करो। इंशाल्लाह इतने तुसे बहुत सारी जगह मिल सन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक तो ये तुसा जेड़े पता हो सी तौली पीर वगैरह, उस तो हट के भी बहुत जगह है। मैं बल्कि आतिक भाई नू दसी भी हैं काफ़ी जगह, ये तुसी आसो इंशाल्लाह इस साइड ते तुसा की काफ़ी इतने टूरिस्ट पॉइंट मिल सन, इंजॉय कर सकते इंशाल्लाह। बाकी वली साहब दसो कि इतने बर्फ है जी कि महीने तो लैके महीने जी होनी है? बर्फ इतने नवंबर दिसंबर स्टार्ट होनी है, तो बाद दफा तो मार्च ही पै जुलनी है। अच्छा, तो जनवरी फरवरी मौसम काफ़ी ठंडा होना, उसमें भी एक अपना मजा है। तो बर्फ जो स्नो फेस्टिवल भी होया सी गंगा चोटी वाली साइड, ठीक ठीक, मेरे वाली तौली पीर भी होया, उस विच भी तुसी आओ सारे, उसमें भी एक अपना मजा है। बिल्कुल जनाब, जिन्ना बर्फ तक नहीं है ना उस जनाब आज जो तौली पीर रावलाकोट इतने काफ़ी जनाब आइडली जगह, जितने बर्फ बहुत ज्यादा होनी है, तकरीबन 4-5 फुट बर्फ होनी है। तो जेडे लोग जाने साढ़े मरीदार इस्लामाबाद दार मरी, तो मरी जरा पिछले साल 2 साल पहले वाकया हुआ इस, सारे बाखूबी वाकफ हो सो उस तो। तो लिहाजा तुम इतने अच्छो, इतना एक बड़े मेहमान नवाज लोग न, कोई भी छोटा मोटा मसला हो जाए तो कोई टेंशन परेशानी ली गाली नहीं। असा यकीन मनो कि इतने इस तरह फील किया वीर साहब के असा अपने घर सुते, अपनी जगह अपना कश्मीर है, अपने लोग हैं। इंशाल्लाह पूरी तुसगी इतने प्यार मोहब्बत मिलसी, लोग काफ़ी पाबंद कर रहे हैं टूरिस्ट नाल। हाँ कुछ होना, कुछ हर जगह भी कुछ ना कुछ लोग होने, जगह उस वक्त बदनाम हो जानी है, लेकिन ये नहीं है कि सारे मेजोरिटी लोग ही है जो सुन। इंशाल्लाह तुसे की अच्छे लोग मिल सन, तो बाकी तुसी आओ इंशाल्लाह सारे सारे मीरपुर की दावत है। आतिफ भाई ने इस व्लॉग ने प्रस्तुत करने सारे मीरपुर की दावत है, सारे आओ इंशाल्लाह इंजॉय कर सो। बिल्कुल जी, जिस तरह इन्होंने दसिया कि जिस तरह भैड़े लोग भी होने, सारे वजह नहीं होने, वाकई जी चंगे लोग इतने भी हैं, तो भैड़े लोग मक्के भी लग सन सारी। क्या ख्याल है नबील साहब? जी जी बिल्कुल, चलो बरकत वाली गल है। तो बाकी वीडियो काफ़ी लंबी होनी है, बाकी एक है तो नाल नाल शेयर कर सकते जी। बिल्कुल असा इस टाइम रावलाकोट एक शहर है खाईगाला, इतों तौली पीर रोड गिरनी है जनाब। ए रोड जनाब हूँ अस तौली पीर वाली रोड पर चढ़ी गए हैं। कितने किलोमीटर होगी वलीद साहब? सही नहीं पता, शायद आधा घंटा वैसे लग सी, शायद 20 किलोमीटर हो गए, 20-25। ये कोई 20-25 किलोमीटर का स्टैंड जी अगर तौली पीर वो सामने पार्क
सामने पार है वो लास्ट वाली पहाड़ी है जी। बाकी इस बाजारा की है खाई का लफजा तोली पीर तो पहले भी एक दो जगह अच्छी अच्छी हैं रुकसा इंशाल्लाह ठीक ठीक मसला वो भी तुसें की दसो। बिल्कुल जी असा तौली पीर नज़दीक हाँ इस पहाड़ी अगे तौली पीर की जी मेन पहाड़ी है वो असी ये सामने पार उस्ताद जी गंगा चोटी है पार गंगा चोटी उधर ये शेरू टारा है इधर बर्फ है ना जी ये शेरू टारा शेरू टारा सामने जी बड़ी चोटी नजर ठीक वो है ठीक 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 बाग उस तो थल्ला बाग है बाकी जनाब ओ बुन शूट बॉल नेट लगे आ लेकिन टाइम नहीं दिल ऐसी जी टल्ले मारी छा जवाद साहब अगर वीडियो तक सो तो कोई याद दसी कि लास्ट नाइट जो मैच होया इतने टूर्नामेंट तुम्हें अनाउंसमेंट की ग्राउंड हूँ अस उपर जुले तौली पीर तो वापस जे अगर इतना गेम लगी हुई तो जरूर अस दो टले मारसा फाइनली जनाब अस तकरीबन बिलकुल कोई अद्धा घंटा लगा उसी तौली पीर पहुंची आया बड़ी ठंडी हवा लगी रही है इसलिए कसम है दिल अच्छा प्लाट घंटे वै इधर मकान बना इत सर्दियों रड़ा ले जा गर्मियों ना तौली पीर मुड़ी चा पार्किंग इतनी उपर पार्किंग ठीक है पार्किंग ठीक हो गया पहाड़ी उपर चने बचो कुछ आते असा पहले भी गए हैं बहु ते जे एक पहाड़ी खत्म हो सी दूसरी स्टार्ट हो जाए वो खत्म हो सी त्री स्टार्ट हो जाए बाकी मौसम बड़ा प्यारा जी इतना हूँ सह चढ़ी गया सही उपर चाहिए मिलने हूँ हाँ जी आखने पौड़ी चलो भौसा चढ़िया जी थकी त्रुटी थे उपर चढ़े हाँ इतना जनाब हॉर्स राइडिंग कहने घुड़सवारी नबील साहब अपनी दुकान खोली कहती है मैं भी रखे इन्हें दिल उसी कहते माओ किन्नी किन्ना इसी दुकान चलाने की योजना उसे अगर सब बड़ा चढ़िया पानी पी सौ गला छकोइया यह है जी तौली पीर सर्दी इतनी ज्यादा सुगी प्लस था गिरा जी बर्फ दसने साहब दजिया कुदरे ओले ही
पता नहीं क्या करने ने बाकी है सारी कुतरे शरे लगी है ए छोटी जी दुकान है इधर दुकान छनी किने है बाकी ये न अंदर और कुछ खाना जी नहीं नहीं थैंक यू जूस जूस बिस्कुट बबलों शबलों ये वो ड्रिंक्स सब पानी शानी पीने पानी ठंडा रेस्ट करने हैं फिर नवील साहब पता नहीं जगह नहीं आए आई गए ना आई ए अच्छा ना जी कौन ये सौदा आया कौड़ी ना हैं हेलो नजारा जी हवा भी काफी तेज है पता नहीं बारिश नहीं होती या नहीं लास्ट जरा पॉइंट है वो सामने त्रे चार इयै जो पहाड़ियां पैदल चढ़ता आए बार माशाल्लाह मंदिर चेक करो कितना प्यारा सीन है इतना कोई तुम्हें दरख्त नहीं लगना इस साइड से बाकी एक बड़े शहर जा रहे हैं उस तो बाद वो सामने पार है जो पहाड़ी एडिया ने कब्जे च है तो इसने बर्फबारी है जिसनी है सामने जिसकी वजह से काफ़ी सर्दी है इतने बाकी हो रहा है घर भी जो जी है रोज ही सुनो कुड़िया लोड़े संभालना ते वो छोड़ दाए सन इत भी निकी बच्ची है रानी स्टोर रोना नियमों ने तोड़ ले गई है छोड़ी गई है बिचे सारे साथ छोड़ गए बाकी माशाल्लाह तो खो जी फैमिलियां बैठी हैं बड़ी सोहनी जगह जुली शुले लग गए ए मैन पॉइंट है जी तौली पीर इतने अंदर कब्र भी है जल्ले हैं उसने स्टेज स्टेज तक नहीं तो गल नहीं पता नहीं समझ लगनी है कौन ही क्योंकि सब पहुंच चढ़िया अस मैन पॉइंट है जी मैन पॉइंट है कब्र शरीफ है जिते असा तौली पीर ना बुझे वल्ला आलम इतना जी कब्र है कुछ नहीं है कोई इलम नहीं ना इतना कोई तख्ती प्लेट लगी है बाकी चलो दुआ शुआ मंगने हैं फिर से अगर जल्दी थोड़ा नज़ारा चेक कराने हैं माशाल्लाह फाइनली जनाब लास्ट पॉइंट से जरा इतना तौली पीर ना पहुंची आए हैं बाकी बैक साइड पर काफ़ी रश है काफ़ी फैमिलियां भी आई हैं बाकी जो मुड़े ने गले वो भी आए हैं फैमिलियां तो अलावा जो बाकी बैकग्राउंड भी चेक करो समझ ना सुन बर्फ तकी सकने क्लियर बर्फ तीसी बनी है छाड़ उपर नहीं बर्फ बाकी है नजारा इतना पता नहीं क्या तजर्बे कर ही रहे हैं चलिए नीचे चल आज तो सही ब्लॉग जैसे नहीं मैं तो दिस नहीं कौन आया बिल्कुल जी सा फाइनली विजिट सारा कर दिया तो नहीं फिर ना सारे दोस्त बाप जिधर सारे व्यूवर्स हो उनका रिक्वेस्ट कर सा के बगैर तो बजाय कह रहे के पाकिस्तान स्वाद चित्राल या मरीना टूर करने ने बगैर सा इतना अच्छो कश्मीर ना टूर करो काफी खूबसूरत जगह है रावला कोट तौली पीरनी इस तू अलावा भी बेशुमार जगह बाकी असा तो तकी सकने कितना प्यारा नजारा असा की नाल सारी इतना चढ़िया कि गल भी ना बाई सकने पहले नजारा चेक करो देखो कुदरती निजाम है कुदरती सिस्टम है इतना व्यू इतनी ग्रीनरी बड़ा सच्चा जनाब है घोड़े छोड़े गाड़ी छाड़ी बड़ी खूबसूरती है खास तौर पर मेपर ने लोग काटन का सूट लाए थे हर किसी
बड़ी सर्दी है, बाकी नीचे चल रहे हैं फिर सब बात कर। सीधा कर सीधा कर। अच्छा जी उधर अच्छे जल्द सवारी चाहिए घोड़े आले बड़े स्लो स्लो अच्छे लोग गिरे तो जल्द वापस जाने इतना दबाई तो खन्ने ना कि अस पहले सवारी चाह कोई और घोड़े लाना पोची जाए। बाकी जनाब अ तकी सकने फिर नज़ारा कराने अस पिछले फोटो सू सामने गए पार। बाकी इत मौसम कोई पता नहीं लगना केला चाड़ पेसन केला तू पोसी ए मुड़े ड्रोन आया तो पर इला मगर लगी भी हैं तक इतना हूँ चाड़ा सामने धुप है इस साइड भी धुप है बाकी बारिश ना कोई पता नहीं कि टाइम आई है। हाँ जी नबील जी ढलाइया ना लो तुम दौने जाने चढ़ाइया ना सौ सौ हो इस बेल करने सो उफ उफ पोटली सर्दियां आले बनते सो ये इलाका सारा जनाब कच्ची है यहाँ वापस जाने हैं भी जाने का काफी थकावट हुई है हम ढलाई है तो मौसम भी ठीक है चलो उतू तलो सोचने मौसम भी ठीक है प्लस ये है कि वापसी थकावट कौनी क्राउड आ रही है बाकी सा गड्डी वो नीचे वाइट कलर की गड्डी साड़ी चलती है उधर साइड उस साइड भी जनाब पार्किंग है हम जनाब थल्ले जुड़ने फिर कक्षा बुलाने